नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जालंधर के भार्गव नगर के कबीर मंदिर में सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर पहुंची और मंदिर में माथा टेक कर उन्होंने पूजा की। गुरप्रीत कौर ने इस दौरान कहा कि वे लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हैं और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जो है नेतृत्व के साथ बैठक करेंगी, साथ ही आने वाले चुनाव के लिए भी रणनीतियां तय की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मौका देने के लिए उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है हफ्ते में दो दिन जालंधर में रह करके वहां के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। देखो अज जलंधर विखे सारे वॉलंटियर्स का वर्कर्स का सारी आम आदमी पार्टी की टीम का धन्यवाद करने आए हैं जिन्होंने इलेक्शन अपने आप मुहारी लड़ी है, आप अगे होके इलेक्शन लड़ी है। सो सारे अज हल्के का धन्यवाद करने भी आ रहे हैं, विचर रहे हैं लोगों के। सीएम साहब जी जलंधर ने की लगता पे कहते हैं कि जिड़िया चोणा ने हूं नगर निगम की उन्होंने लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है, और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई जेजेपी पार्टी के प्रदेश जनरल सचिव दिग्विजय चौटाला बठिंडा डिप्टी कमिश्नर के साथ मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि जब वो मुलाकात करने पहुंचे उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि बठिंडा रिफाइनरी की वजह से कई ज्यादा समस्याएं पिछले लंबे समय से आ रही हैं। ये चिंता कहीं चिता में न बदल जाए क्योंकि रिफाइनरी के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इसलिए चौटाला ने सैटेलाइट क्लिनिक या फिर एम्स के साथ मिलकर के लोगों की समस्याओं को दूर करने उन्होंने क्या कि किया जाए यहां पर लोगों की समस्याओं को दूर। चौटाला ने कहा कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब के लोगों पर भी इसका जो है इफेक्ट पड़ रहा है। से जुड़े हुए विषयों को लेकर के बठिंडा रिफाइनरी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब से खुलकर के बातचीत हुई और पहली बार है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जनता के नुमाइंदों के सामने, पंच सरपंच गांव के नंबरदारों के सामने रिफाइनरी के लोगों को बिठा करके बातचीत की। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। रिफाइनरी के लोग लंबे समय से एडमिट थे। हमारे क्षेत्र में कृषि से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं हैं, एनवायरमेंट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, और उधर फरीदकोट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7 महीने के बच्चे की चोरी के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लोग नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त की जा रही थी। वहीं पुलिस ने तिहाड़ जेल में एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर के पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। थाना सादक दे विच जिहड़ा केस रजिस्टर होया है जी, इहदे च हुण तक असीं 6 अरेस्टां कर चुके हैं जी। 4 लेडीज हैगियां ते 2 व्यक्ति है जी। रजिंदर कुमार नाम का व्यक्ति जो प्रोटेक्शन वारंट जारी करा के इन्हू इतने सड़क थाने के गिरफ्तारी पाई जाऊगी जी, पूछगिछ की जाऊगी। हूँ जोड़ा है प्रोटेक्शन वारंट से परमजीत सिंह लिया है जी, तो वो जी अरेस्ट पाई है जी। गढ़शंकर के लसाड़ा गांव में डेरा थापल किला में के मुख्य सेवादार सीताराम दास को डेरे पर कब्जा करने की नीयत से पीटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पीड़ित को सिविल अस्पताल के गढ़शंकर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान जानकारी देते हुए मुख्य सेवादार सीताराम ने बताया कि वो पिछले 10 महीने से कैंप में ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो कैंप में मौजूद थे तो करीब 25 लोग कैंप के बाहर पहुंचे और उनके साथ जो है गाली गलौज करने लगे और जब वो बाहर आए तो उन पर हथियारों से हमला कर दिया गया। इसी के साथ ही उन्होंने कैंप खाली करने की धमकी भी उन्हें दी।
उन्होंने बताया कि किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, जिसके बाद से उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। मैं अपने डेरे में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कुछ आवाज आ रही है, फिर आवाज आने के उपरांत देखा तो 20-25 बंदे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे लाठी डंडे और तेजधार हथियार के साथ। फिर वो कब्जा करने के मशरब से आ रहे थे, फिर हम बाहर आए तो हमारे ऊपर डायरेक्ट वे लोग मारामारी चालू कर दिए, फिर हमें बहुत सारा मार मारे, फिर जो है तो हमारे दो भक्तों ने आया फिर हमारी सुरक्षा की। हथियारों के साथ आपके? जी हाँ जी, तेजधार हथियार और लाठी डंडों के साथ में थे। लाडोवाल टोल प्लाजा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद से एक बार फिर से टोल प्लाजा पर जुटे किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि बैठक के बाद से पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टोल खोलने का आदेश दिया है, तो वहीं भारतीय मजदूर किसान यूनियन के अध्यक्ष दिलबाग सिंह और भारतीय किसान यूनियन दुआबा के इंदरबीर सिंह कड़ी ने जो है जानकारी देते हुए बताया कि सभी किसानों और आम लोगों लाडोवाल टोल प्लाजा पर पहुंचने के लिए उन्हें कहा गया। दिलबाग सिंह ने कहा कि अगर किसानों को लाडोवाल टोल पर पक्का मोर्चा लगाना होगा। देखो जी, 16 तरीक तो जेड़ा धरना निरंतर चल रहा वा और ये जारी आ, क्योंकि जेडे जथेबंदी वालों जेडे साडे निशान लाए गए ने ये साडे पक्के तौर ते लगे हुए आ, ये साडी हाजरी समझो तुसी, और जे पक्के तौर ते सानू भी बहना पिया तो असीं अज मीटिंग करांगे, असीं पक्के तौर ते बैठांगे, पर जेड़ी आ धक्केशाही चल रही है असीं पूरी नहीं होण दवांगे। असीं ये सड़कां ते ही बैठे ही तां वा, जे साडी न्यायालय अदालत गल साडी सुण लवे तां सानू सड़कां ते बहण दी लोड़ ही ना पवे। देखो जी, पंजाब सरकार ने ते मंग के समा लिया 4 हफ्ते दा, ते 4 हफ्ते च टोल खोल के देंगे, पर सानू यह पता लग्या भी ये NHA वाले बहुते काले आए ते अज ही खोलन नू फिरदे सी, जिथों सानू पता लग्या असीं तां कट्ठे होए आ, असीं आवाज दित्ती, तुसीं मीडिया वाले सारे भरा आए जे, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। और प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को लेकर के पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 6 जिलों में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ड्रग्स को रोकने के लिए लोगों का इसमें जो है पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि डिफेंस कमेटियों की साल में एक मीटिंग जरूर हो और नशा मुक्त गांव होगा, उसको भी लाखों रूपये के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस और BSF के साथ ही सारी एजेंसीज का जो है साथ होना बहुत जरूरी है, वहीं इसलिए बॉर्डर एरिया में समीक्षा के लिए निकला हूं। चल गई है, बाकी कुछ नहीं था तो डिवाइडर में होने से वो गाड़ी डैमेज हुई, पर उसमें 3 लोगों को लकीली हमारे कॉन्वॉय में जेड सिक्योरिटी होने से एम्बुलेंस रहती है, एम्बुलेंस से उनको 3 को तुरंत भेज दिया, माइनर चेकअप हो गया, नथिंग टू वरी, अभी आई थिंक दे आर हैप्पी, अभी काफी हो जाएगा, रिकवरी है, छोटा मोटा ड्रेसिंग व्रेसिंग हुआ होगा, नथिंग सीरियस है। और वो कोई कल्यूजन नहीं है, गलती से कहीं चढ़ गया डिवाइडर के ऊपर तो वो डैमेज हो गई, ऐसा हुआ है, सस्पेंशन वगैरह गाड़ी का, गाड़ी डैमेज हुई है। और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। बागी गुट के नेताओं के आरोपों पर सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। कुछ दिनों पहले ही बागी गुट के नेताओं ने पूर्व अकाली सरकार के दौरान हुई गलतियों के लिए जत्थेदार को माफीनामा भी सौंपा था। ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
कि ना भावें कि वह बाद लोगों ने देखा कि वह एक राजनीतिक षडयंत्र सी, पर मैं इस छड़दा। पर उन्होंने अकाल तख्त साहब ने उस मामले में लैके सुखबीर सिंह बादल जरा अपना पक्ष स्पष्ट करने 15 दिन का टाइम दिता सी। तो अज सुखबीर सिंह बादल अपने अकाली दल के साथियों समेत तुम सारे ने देखा ही आ कि वह नतमस्तक होने वास्ते आए। उन्होंने अकाल तख्त साहब के जथेदार के सामने हाथ जोड़ के बेनती की है कि असी पूर्ण तौर पर समर्पण है अकाल तख्त साहब न। और अज अपना स्पष्टीकरण और उस स्पष्टीकरण आने वाले दिनों में पंची साहबानी खोल के पढ़ के बठिंडा के फूलोखारी के निवासियों का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी से बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आसपास के गांवों के निवासी घर छोड़ने के लिए मजबूर है। रिफाइनरी से निकलने वाले प्रदूषण के कारण आसपास के गांवों में कैंसर और चमड़ी की बीमारी बड़े स्तर पर फैल रही है। दिग्विजय सिंह चौटाला का कहना है कि रिफाइनरी के साथ लगते डबवाली मंडी के करीब 11 गांव रिफाइनरी के साथ लगते हैं, लेकिन रिफाइनरी ने अभी तक जो है 12 किलोमीटर के घेरे में आते सभी गांवों को गोद लिया है। बठिंडा रिफाइनरी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब से खुलकर के बातचीत हुई और पहली बार है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जनता के नुमाइंदों के सामने, पंच सरपंच गांव के नंबरदारों के सामने रिफाइनरी के लोगों को बिठा करके बातचीत की है। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। रिफाइनरी के लोग लंबे समय से एडमिट थे। हमारे क्षेत्र में कृषि से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं हैं, एनवायरमेंट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, और बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर के पटियाला बिजली बोर्ड के मुख्य कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित महिंद्रा ने कहा कि सरकार की ओर से दी गई बिजली की गारंटी पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार किसानों को बिजली मुहैया कराने में भी नाकाम रही है। देखो, गल यह है कि पंजाब दे लोकां नाल मुख्यमंत्री साहब ने 2022 दे विच वादा कीता सीगा कि असी गारंटी दिंदे हां कि पंजाब दे लोकां नूं 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाऊगी। और पिछले हफ्ते तो जो माहौल बनया है, एक बिजली संकट पंजाब दे विच पैदा हो गया, इलैक्ट्रिसिटी क्राइसिस पंजाब दे विच पैदा हो गई है, और उहदी जवाबदेही और सरकार नूं याद दिवाउण कि तुसीं 24 घंटे मुफ्त बिजली देण दा पंजाब दे लोकां नाल तुसी गारंटी दित्ती सी। और जो हस्पतालां दा हाल होया, कल भी रजिंद्रा हॉस्पिटल एक मौत हुई है। पटियाले जो धरना जिहड़ी एक बहुत पंजाब दी काफी वड्डे जिहड़ा प्रोटेस्ट बड़ा कामयाब कीता, तुसी देख ही रहे हो। और अब खबर मोहाली से है, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बंदूक की नोक पर लोगों को डरा धमकाकर वाहन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पूरे मामले को लेकर के एसएसपी संदीप गर्ग ने जानकारी साझा की है। इक्की ते 22 जुलाई की दरमियानी रात में एक इंसीडेंट होया सीगा जिहदे विच एक डिजायर कैब जिहड़ी हैगी है, डिजायर टैक्सी जिहड़ी हैगी है, वह गन पॉइंट से खोली गई सी बलौंगी दे एरिया दे विच।
ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। और फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल के कैंसर वार्ड में एसी न चलने की खबर के बाद से सामाजिक कार्यकर्ता लाख सिधानी अपनी टीम के साथ मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर के मरीजों से मुलाकात की और वार्डों का जायजा भी लिया। इस मौके पर लाख सिधान ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मेडिकल अस्पताल का दौरा किया है, जहां पाया गया है कि कैंसर वार्ड में भर्ती मरीजों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां वार्ड में एसी नहीं है और कीमो चल रहे मरीजों को गर्मी की परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन न तो चिकित्सा प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही सरकार मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा दे पा रही है। अस्पताल फरीदकोट असीं आए हैं, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀਮੋ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੰਦ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਏਸੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੰਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਤੇ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਅਬ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਕੈਬ ਔਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਬਾਰ फिर से हड़ताल पर चले गए हैं, जिन्हें लेकर के कैब और ऑटो चालकों ने सेक्टर 17 सर्कस ग्राउंड में एकत्रित होकर के चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि पहले भी कई बार प्रदर्शन करने पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर भी कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं की गई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में अवैध टैक्सियों के संचालन को लेकर भी कैब और ऑटो चालक नाराज हैं। चंडीगढ़ कैब यूनियन के प्रेसिडेंट अमनदीप सिंह ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, इस ड्राफ्ट में टैक्सी और कंपनियों के बीच रेट फिक्स कर दिया गया है। सरकार यहां भी जो है कर्नाटक की तर्ज पर रेट तय करे। देखो जी, बेनती असी वार वार करके जी, प्रोटेस्ट करके, धरने करके, एप्लीकेशन दे के, मेमोरेंडम दे के, चाहे गवर्नर साहब है, चाहे एसटीए साहब है, चाहे होम सेक्रेटरी साहब है, चाहे एडवाइजर साहब है, चाहे पुलिस प्रशासन है जी, हर बंदे नूं असी दे चुके हैं। साड़ी किसी भी गल ते कोई कार्रवाई नहीं हुंदी। 4 तरीक नूं पिछे कैब आटो संयुक्त मोर्चे ने स्ट्राइक की सी, बाइक टैक्सी के खिलाफ, ई रिक्शे के खिलाफ, तो साडे जिहड़े नजायज चलान हो रहे उन्होंने खिलाफ, तो सब तो मेन डिमांड जी साड़ी हैगी है, साड़ा मिनिमम रेट तय नहीं हो रहा, जो 2 सालों तो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदर्शन का कारण यह है कि प्रशासन अपनी नाकामी दिखा रहा है। जैसे हम लोग ऑटो चलाते हैं तो हम लोग ओला उबर सवारी से सवारी पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, और हमारे ऑटो वाले से पूछा जाता है कि आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, नेम प्लेट कहाँ है, परमिट कहाँ है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। मैं वही सवाल आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन को करना चाहता हूँ कि वही सवारी और वही कंपनियों की जो ऐप है मोबाइल, वो बाइक वाले पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर उनकी यूनिफॉर्म कहाँ है, उनकी नेम प्लेट कहाँ है, और इसके अलावा उनका जो परमिट है वो कहाँ है? मैं तो परमिशन दी नहीं जाने की, आप आते मर्जी से हो लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से नहीं, स्कूल के बच्चों की छुट्टी मत। Okay.
और फिरोजपुर पुलिस ने फिरोजपुर और आसपास के इलाकों में लूटपाट करने वाले 5 बड़े गैंग के 11 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह रात में लूटपाट करता था, जिसमें 20 से 22 के आसपास के युवा भी, यानी कि 20 साल से 22 साल के आसपास के युवा हैं और कुछ नाबालिग भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ के खिलाफ पहले से ही कुछ मामले दर्ज हैं। पुलिस ने लिटोरे के पास से जो है एक एयर पिस्टल, 14 मोटरसाइकिल, 23 मोबाइल, एक सोने की अंगूठी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी हुई है। फिरोजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले 10-15 दिन से असी बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे सीगे और असी कोशिश कर रहे सीगे कि जेड़े गिरोह फिरोजपुर सिटी, फिरोजपुर सदर अते फिरोजपुर कैंट विच ऑपरेट कर रहे सीगे, असी उन्हों टारगेट किता सीगा और उन्हों फंड दा प्लान किता सीगा। तो एदे विच पिछले 2 दिन दे विचकार असी 5 गैंग फड़न चे सफल होए ने। टोटल साढ़े 11 दोषी गिरफ्तार होए ने। और अब खबर होशियारपुर से है, जहां जेल के अंदर 2 गैंगों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं जेल प्रशासन द्वारा घायल को तुरंत इलाज के लिए होशियारपुर सिविल अस्पताल लाया गया, तो वहीं सिविल अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज का इलाज करने के बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया है। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 12:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੂਚਰਡ ਵੂੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਜੈਕਟੇਬਲਸ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।